नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लैब में मैं श्रीकांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी क्लर्क 2020 के सभी शिफ्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें से मैं आपको आरआरबी क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। और पिछली बार भी मैंने आरआरबी पीओ की इसमें भी जो प्रूफ दिया था, यानी कि जो चीज़ें जो फैक्टर्स कट ऑफ के रिगार्डिंग बताई थी, वो इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू होती है। जैसे सबसे पहला मैंने जो बताया था वैकेंसीज़ के लिए, जैसे वैकेंसीज़ में उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करूँ आरआरबी क्लर्क के लिए भी, तो उत्तर प्रदेश के लिए पिछले साल यानी 2019 में 400 वैकेंसीज थे सिर्फ, लेकिन इस बार वैकेंसीज़ बढ़ के हो गए हैं 1852, मतलब 1852। इतना ज़्यादा चेंज यहाँ पे दिख रहा है, मतलब टोटल चेंज है 363%, मतलब इतने परसेंट से वैकेंसीज जो है बढ़ गए हैं। तो अभी इतने वैकेंसीज बढ़ गए तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर कट ऑफ तो डायरेक्ट 35-40 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, या फिर 45-50 का कट ऑफ आएगा, इतना नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे ऐसा किसी एक आध स्टेट में अगर बहुत सारे वैकेंसीज है अगर बच्चे देख लेते हैं, तो बहुत से बाहर के स्टेट वाले बच्चे भी उसी स्टेट से अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर जाए। हालांकि अगर इतने वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरने के चांसेस है डेफिनेटली, लेकिन बाहर के स्टेट के बंदे दूसरे राज्य से अगर अप्लाई करते हैं तो फिर वही हो जाता है कि वैकेंसीज बढ़ गए लेकिन एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस मेरा ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि इस बार भी उत्तर प्रदेश का कट ऑफ बहुत घटेगा, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हो वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये कट ऑफ के जो चार्ट है मैंने आपके सामने रखा है, 2019 का कट ऑफ मैंने दिखाया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2020 का भी उसमें। तो आंध्र प्रदेश के लिए मैंने दिया है 70-73। अब आप देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है पिछले साल ही 71 था। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वैकेंसीज कम हुए हैं तो कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मतलब जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे उसमें से बहुत कम लोगों ने, मतलब अगर मैं अप्रॉक्स टोटल एग्रीगेट बताऊँ तो एक 70-75% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। मतलब कुछ शिफ्ट में 80% ने दिया, कुछ शिफ्ट में 60% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 70-75% बंदों ने जो है पूरा एग्ज़ाम दिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कट ऑफ जो है वही रहेगा या फिर कम रहेगा, इसके रिगार्डिंग में अगर आपसे बात करूँ तो वो ये है दोस्तों कि लास्ट टाइम जितने एप्लीकेंट्स थे इस टाइम उतने एप्लीकेंट्स नहीं थे आरआरबी क्लर्क के लिए। बहुत से बच्चों ने आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर पता नहीं क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस बार एप्लीकेंट्स थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर और वैकेंसीज ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा नहीं। सब लोग यही बताएंगे कि 80 में से 80 लोगों ने अटेम्प्ट किए, 75 प्लस अटेम्प्ट किए, 70 किए, तो कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आसाम के लिए 61-64, ऐसे ही मैंने सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पे आपके सामने कट ऑफ रखा है। अगर आप जम्मू कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरला देखोगे तो यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताएंगे हम। लेकिन झारखंड के लिए मैंने एक वेबसाइट पे देखा तो वहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज दिखाई थी, लेकिन मैंने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया तो उसमें भी मुझे कोई वैकेंसीज कर्नाटक केरला के लिए भी नहीं दिखाई दी, तो इसलिए वहाँ पे कट ऑफ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आगे चल के मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो 65-68, महाराष्ट्र 68-71, ओडिशा 73-75, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु सबके कट ऑफ मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड लास्ट नीचे से तीन नंबर पे जो है उसका कट ऑफ लास्ट ईयर जो था 74 का था, इस बार जाएगा 64-68 के बीच में, इससे भी कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं जाएगा मुझे पता है। तो ये बहुत सी राहत भरी बात है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए कि कट ऑफ जो है कम होगा। उत्तराखंड के लिए 75 प्लस फिर से जाएगा क्योंकि वैकेंसीज उतनी ही है, 2-4 वैकेंसीज, बहुत कम वैकेंसीज होने के कारण। वेस्ट बंगाल के लिए कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा कम रहेगा, 72-74, तो ये भी कम नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ये कम ही है। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल इतना था, तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का हम स्टडी करते हैं और उससे हम ये कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा हो सकता है ऊपर नीचे, तो कमेंट्स में आके गाली देने से कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है, तो प्रेडिक्शन ही होगा, ये रिजल्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कभी कभार ऐसा होता है कि हम हाई कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो बच्चे आके नीचे कमेंट्स में गाली देना शुरू कर देगी, कम होता है। अगर आपको नहीं इसमें सहमति है, लग रहा है कि गलत है, तो छोड़ के चले जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 50-100 बच्चों का एग्जामिन करके हम 50-100 बच्चों से कांटेक्ट करके ये डेटा गैदर करते हैं 2 दिनों में, और उससे हम ये कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और आपके दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।